मैं सुभाष सोनी किशन लाल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ और मैं दिवाली के शुभ पावन पर्व पर मैं क्षेत्रवासियों को पूरी रेवाड़ी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यह दिवाली का पर्व आप सब लोगों के लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो और आप सब लोगों को निष्ठावान बनाए, धैर्यवान बनाए, यही आशा करता हूँ। एक बार फिर दिवाली की शुभकामना आप सभी क्षेत्रवासियों को। देखो, प्रदूषण तो होता ही है लेकिन हमारी परंपरा भी है। ऐसे नहीं है भाई हम एक धर्म के को कहते हैं तुम ये चला लो और एक से कहते हैं तुम ये। अब दिवाली के ऊपर भी भाई जल मत बखेरो, हमारी परंपराएं भगवान श्री कृष्ण रामचंद्र जी के टाइम से ये परंपराएं चली आ रही हैं। वो रामचंद्र जी के अयोध्या आने के उपलक्ष्य में दिवाली का पर्व मनाया जाता है, उस खुशी के अंदर पटाखे भी चलाए जाते हैं, पर ऐसे ज़्यादा पटाखे ना चलाएं जिससे ज़्यादा प्रदूषण। निवेदन करता हूँ ऐसे पटाखे चलाएं जिससे प्रदूषण ना फैले, खुशी का इजहार करें पर ऐसे पटाखे ना चलाएं जिससे प्रदूषण फैले। दिवाली की मेरी तरफ से दोबारा शुभकामनाएं पूरी क्षेत्रवासियों को, हार्दिक शुभकामनाएं। सब भाई बहन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर इस त्यौहार को हम मनाएंगे जिससे हमारे आगे का भविष्य, हमारे बच्चों का, उनका बहुत बढ़िया रहे। और माता रानी से, लक्ष्मी माता से हम यही कहेंगे कि सबका बाहर घर बार भरा। पोल्यूशन तो देखो जी है लेकिन ये जो त्यौहार है ये बिना पटाखों के कोई नहीं होता, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। और ये तो हमारे भगवान श्री राम आए थे तो उसके उपलक्ष्य में हमारे को स्वामी हम पटाखों से और मोमबत्ती से और दियों से हम अपने परिवार में, हमारे अपने घर में, अपने दुकानों में, अपने मंदिरों में हम सजाते हैं और सजाते रहेंगे। इसके लिए कोई पोल्यूशन नहीं है और कोई कुछ नहीं है, हम धूमधाम से मनाएंगे और मैं सभी से कहूँगा और बहुत अच्छी तरह मनाएंगे। और दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ मेरी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, पूरे बाजार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बात यह है नई सरकार बन गई, बीजेपी की तीसरी बार सरकार बन गई, यहाँ हीरवाड़ में बीजेपी के सारे कैंडिडेट लगभग जीत गए और राव इंद्रजीत सिंह द्वारा समर्थित सारे ही बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए। मेरा अनुमान तो इलेक्शन से पहले भी ऐसा ही था लेकिन इतनी बड़ी मार्जिन से रेवाड़ी की सीट निकलेगी ऐसा मैं नहीं सोचता था। उसका एक ही कारण है कि ओवर कॉन्फिडेंट होकर चले कप्तान अजय सिंह यादव और लक्ष्मण सिंह के साथ 5 साल सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक रहने के बाद भी साफ सुथरी छवि रही, उनकी काम करने वाला कार्यकर्ता के रूप में लोगों ने लिया, नेता के रूप में नहीं। सतीश यादव का बहुत नीचे चले जाना इस अंतर को, जीत के अंतर को, लक्ष्मण सिंह को बढ़ा दिया। चलो अब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, सारे विधायक बहुत तेजी से सारा कुछ बदलाव एक मिनट में ही कर लेना चाहते हैं। मैं अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि एक मिनट में ही सारे काम नहीं होंगे, सारे अफसर एक सेकंड में ही ईमानदार गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी और अफसरों का तबादला कोई हल नहीं है। उन्हीं अफसरों से उसी स्थान पे अगर ये विधायक, ये मंत्री, ये सरकार काम लेने की क्षमता रखती है तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अफसर का यहाँ से तबादला करा तो दूसरी जगह कौन पिएगा? तबादला कोई हल नहीं है, उसी अफसर से वहीं काम लेने की अगर क्षमता सरकार अपने आप में पैदा कर सकती है तो ही फायदा होगा। उम्मीद की जा सकती है, बढ़िया उम्मीद के लिए बैठे हैं, काम करेगी सरकार उसका रिजल्ट आएगा और अगर नहीं कर पाएगी तो जनता का मोह भंग होने में भी देर नहीं लगा करती। हमारे यहाँ से भाई राव के विरोधी खेमे के नरवीर सिंह बने और उनकी अपनी बेटी मंत्री बनी है। देखो हीरवाल को क्या क्या लाके देते हैं, क्या मिलता है,
भविष्य के घर में बढ़िया के लिए ही उम्मीद करते हैं। दीपावली का पावन पर्व आ रहा है, दीपावली के पावन पर्व पर नगरवासियों को, जिलावासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि ये राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक सुखी हो, खुश रहे, स्वस्थ रहे, यही मनोकामना है। त्यौहार पे सब भाई बहन खुशी से त्यौहार मनाएं और सब खुश रहें। प्रदूषण तो ये सब अफवाहें हैं, कोई प्रदूषण नहीं होता, पटाखे चलने चाहिए। हमारे त्यौहार पे सब जो है ना पटाखे भी बहुत जरूरी है, जैसे होली पे रंग जरूरी है, ऐसे दिवाली पे पटाखे भी बहुत जरूरी है। ठीक है, दिवाली पे ही कहूँगा सब लोग अपने खुशी से त्यौहार मनाएं और खुश रहें, शुभकामनाएं। अध्यक्ष भारत विकास परिषद शाखा बावल से दिवाली के इस पवित्र त्यौहार पर सभी बावलवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और आग्रह करता हूं कि इस पवित्र त्यौहार पर कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जिससे मतलब जो है पवित्र त्यौहार को दिक्कत हो, और अपने भाईचारा को बनाए रखें तथा इस पवित्र त्यौहार पर कोई भी आतिशबाजी जिससे धुआं प्रदूषण हो ऐसा ना करें, ग्रीन पटाखे छुड़ाएं और अपने मिठाई खा के एक दूसरे को मिठाई से वो करें। धन्यवाद करें।